हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HSWari। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये OTG कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों, आपने अपना मोबाइल फ़ोन कभी सेटिंग खोलते हो तो उसमें कभी कभी आ जाता है OTG। तो ये OTG क्या होता है दोस्तों, आप ये क्या काम रहता है मोबाइल फ़ोन में दोस्तों। अब चलिए मैं आपको OTG आप मैं पहले तो दिखाया था। मैं दोस्तों ओप्पो A57 मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। अबाउट फ़ोन में चलते हैं दोस्तों, ओप्पो A57। तो चलिए दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली आपको मैं ये बता रहा हूँ कि OTG केबल, OTG कनेक्शन क्या होता है। आप देख सकते हो मेरे एडिशनल सेटिंग में, जाने के बाद मैं एडिशनल सेटिंग में गया हूँ दोस्तों, और सबसे लास्ट में लिखा रहा है दोस्तों OTG कनेक्शन। अब सबसे बॉटम में, बिल्कुल लास्ट में मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो OTG कनेक्शन। OTG कनेक्शन क्या होता है दोस्तों, मैं जहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ तो क्या हो रहा है दोस्तों। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों, और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ऑटोमेटिक टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज फॉर 10 मिनट्स। तो दोस्तों, ये OTG कनेक्शन होता क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये OTG कनेक्शन क्या होता है दोस्तों। काफ़ी ये सभी मोबाइल फ़ोन में नहीं होता दोस्तों। काफ़ी मोबाइल फ़ोन में, आप मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में जाओगे आप एडिशनल जाने के बाद दोस्तों, जिसकी स्टोरेज में जाते हैं तो यहाँ पे फ़ोन और SD, आप सबसे ऊपर लिखा रहा फ़ोन एंड SD कार्ड। तो दोस्तों इधर ही स्टोरेज में जाने के बाद तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों, एक्सटर्नल SD कार्ड या एक्सटर्नल USB या एक्सटर्नल पेन ड्राइव, ऐसा कुछ लिखा जाता है दोस्तों। तो जिन मोबाइल फ़ोनों में ये नहीं रहता दोस्तों, और अगर उनमें ये OTG है दोस्तों, ये OTG कनेक्शन है, तो दोस्तों आप अपना पेन ड्राइव जो कि आप जिसमें आप अपना कुछ डाटा रखते हो और उसको अपने किसी म्यूजिक प्लेयर के साथ कनेक्ट करके कुछ म्यूजिक, उसमें बेसिकली डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए और लेने या देने के लिए ये OTG कनेक्शन होता है दोस्तों। आपको क्या करना होगा, अपना पेन ड्राइव केबल के थ्रू, जो कि USB to Micro USB केबल आती है दोस्तों, उसमें एक साइड फीमेल रहता है जहाँ पे आप पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे, दूसरी साइड मेल जो कि आप मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करोगे। तो दोस्तों ये OTG कनेक्शन आपको यहाँ से ऑन करना होता है, और बेसिकली दोस्तों ये OTG कनेक्शन होता है आपको अपना पेन ड्राइव मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए, जहाँ फिर दोस्तों कार्ड रीडर जिसमें आप अपना कार्ड डाल के भी अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप इसको कनेक्ट कर लोगे दोस्तों, तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो स्टोरेज है, यहाँ पे एक्सटर्नल SD कार्ड का भी या एक्सटर्नल पेन ड्राइव का भी लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं इतने बताना चाह रहा था कि ये OTG कनेक्शन क्या होता है दोस्तों। बेसिकली हमारे मोबाइल फ़ोन में काफ़ी ऐसी सेटिंग रहती है जिसको हम अक्सर देखते रहते हैं और अक्सर उनको इग्नोर करते रहते हैं दोस्तों, हमें पता नहीं रहता ये क्या है क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको ये कनेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।